एक अच्छी खबर आ रही है श्रावस्ती जनपद वासियों के लिए, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है। अब वही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज करने में ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ती है, जिसको देखते हुए श्रावस्ती जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी टीके सिबू ने 22 अप्रैल को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए शासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री राज्य मंत्री साकेत मिश्रा ने प्लांट लगाने की कवायद शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार भंगहा L2 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्य योजना है, जिसमें 51 बेड L2 अस्पताल में इस समय 24 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। हालांकि श्रावस्ती जनपद में अभी ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, इसके बावजूद भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने 7 से 10 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जनपद वासियों को आश्वासन दिया है। ये श्रावस्ती जनपद वासियों के लिए राहत भरी खबर है। श्रावस्ती जनपद में भी अब ऑक्सीजन प्लांट लगने की पूरी संभावना है। दर्जा प्राप्त मंत्री साकेत मिश्रा ने ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है।